जनता को यही कहूंगी, ये दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, 15 साल से भाजपा इस नगर निगम में है, लेकिन अगर मैं जामा मस्जिद वार्ड की बात करूं जहां मैं खड़ी हूं, या फिरका प्रस्त ताकतों को भाजपा की नफरत की राजनीति को कभी जगह नहीं दी इन लोगों ने। कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन जब भाजपा ने देखा कि वो नहीं हरा पा रही कांग्रेस को, तो उसने अपनी बेटी में भेजी है, केजरीवाल भेजा है। बहनों ने पूछा यहाँ पर मुझसे, गुजरात में चुनाव चल रहा है, हमारी बहन शाहबानो के बलात्कारी हत्यारों को बीच चुनाव में भाजपा ने रिहा किया, गले में हाथ डाल के वोट मंगवाए। केजरीवाल गुजरात गए, उनसे पूछा शाहबानो पे क्या कहना है, केजरीवाल ने कहा शाहबानो उसके लिए मुद्दा नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए और अलका लांबा के लिए, चाहे वो किरण नेगी हो हमारी बहन, चाहे वो शाहबानो, हमारे लिए मुद्दे हैं। केजरीवाल, तुमने बीच कोरोना महामारी में मरकज के निजामियों को बदनाम किया, कोरोना महामारी फैलाने का आरोप लगाया उन पे, केजरीवाल तुमने FIR कराई, जेल भेजा और कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। आज पूरे लोगों में गुस्सा है केजरीवाल के खिलाफ। दिल्ली दंगों की जब आग में जली, भाजपा ने वो आग लगाई और केजरीवाल की चुप्पी खामोशी ने उस आग में घी डालने का काम किया। मेरी और इनकी दिल्ली जली, आज लोगों में काफ़ी गुस्सा है आम आदमी पार्टी के प्रति। केजरीवाल यहाँ इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं करता। भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल के मंत्री जेल में बैठे हुए हैं, शराब में एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहे थे, वो मुद्दा है। तो भाजपा का 15 साल का कुशासन, वो प्रधानमंत्री के चेहरे के पीछे छुपना चाह रहे हैं, और ये झाड़ू वाले केजरीवाल के चेहरे के पीछे छुपना चाह रहे हैं, छुप नहीं पाएंगे, लोग सवाल पूछ रहे हैं। धन्यवाद।